हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई, एक और नया दिन, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज है 1 दिसंबर। अभी आप लोग जब ये व्लॉग आएगा, आप मैं इससे पहले एक व्लॉग डाल चुका हूँ। आप लोग अगर इंट्रोडक्शन चाहते हो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूँ। तो अभी निकलते हैं जिम के लिए। प्री वर्कआउट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, C4, 2 चम्मच के आसपास, 1.5 चम्मच के आसपास आज मैं प्री वर्कआउट लूँगा। और आज करेंगे बैक का वर्कआउट और शायद आर्म्स का, तो देखते हैं। सन्नी से बात करता हूँ कि किस टाइम निकलना है। टाइम हो गया है अभी 11:15, 11:30 बजे के आसपास निकलेंगे और बैक का वर्कआउट। और आज डाइट में कुछ चेंज होगा, हर रोज़ डाइट डिफरेंट होगी, तो आज डाइट डिफरेंट होगी। कल आपने देखा होगा कि मशरूम टिक्का था, तो आज कुछ राइस में या कुछ में, क्योंकि थोड़ी कार्ब्स लोडिंग भी चाहिए और साथ साथ प्रोटीन। अभी तक मैंने प्रोटीन के बारे में नहीं बताया आप लोगों को। प्रोटीन आज कल में मैं ऑर्डर करूँगा, पैसे नहीं थे, आज पैसे आ गए कहीं से, तो प्रोटीन। तो चलो चलते हैं जिम में, एक बार प्री वर्कआउट ले लूँ और फैट बर्नर भी दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई ये आ गया अपना फैट बर्नर, तो मैं तो ये लेता हूँ। आप लोग हाइड्रोसी कट का भी ले सकते हो, मसल टेक कंपनी का आता है, आप वो भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो दोनों तीनों ठीक हैं, वो वाला भी है शायद मेरे पास, तो अगर दिखेगा मिलेगा तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो फैट बर्नर एक ही लेता हूँ। मॉर्निंग में ज़्यादा खा के एक्सरसाइज नहीं होती मुझसे, तो इसलिए थोड़ा सा अभी 2 केले, 1 एप्पल एज ऑलवेज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट यही रखता हूँ, ताकि एक्सरसाइज। आप लोग अंडे वंडे भी खा सकते हो, बट मैं अंडे वंडे नहीं खाता, पनीर नहीं खाता, तो इस करके मुझे फ्रूट्स खा के ही मैं एक्सरसाइज करके मेरे को अच्छा लगता है, लाइट लगता है। तो और एनर्जी के लिए अगर कुछ लेना होगा तो पिंटोला का एक पीनट बटर आता है जो कि वीगन है, पिंटोला का वो, और एक आता है राइस केक। तो अगर आप लोग अपने ब्रेकफास्ट में ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप लोग उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो। तो चलो देरी नहीं करते, 11:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, निकलते हैं। See you in the gym. अब लोग जिम में आ चुके हैं और वार्म अप कर चुके हैं। वार्म अप इसके बाद दिखा दूंगा वैसे कि ट्रेडमिल वेडमिल क्या करना है। अभी आज हम लोग कर रहे हैं फुल मूवमेंट, तो पहले वार्म अप में सबसे पहले रहेगा चिन अप। दस दस के 5 से 6 सेट करेंगे। तो भाई हमारा वार्म अप हो गया कंप्लीट। हम लोग आज कर रहे हैं बैक का वर्कआउट और जो पहली एक्सरसाइज होगी ना वो होगी वन आर्म डंबल। तो वन आर्म डंबल में क्या लोग क्या गलती करते हैं कि ज़्यादा वेट दिखा के उठाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर डालने के लिए। तो भाई मत डालो, मैं 40 का डंबल भी उठा सकता हूँ, 22 का डंबल भी उठा सकता हूँ। मैं आपको लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसा वेट उठाओ, इतना अप्रोप्रिएट वेट उठाओ कि आप लोगों को मसल पे टेंशन फील हो, मसल पे फील हो। करके चलेगी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होगा उससे। देखो मैंने 22 का डंबल लिया, मैं 22 का डंबल भी उठा सकता हूँ और मैं 40 का डंबल भी उठा सकता हूँ, बट मैं अपने लिए जिस चीज पे मुझे ज्यादा फील होगा ना वो उठाता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको 36 का डंबल उठा दे, देख लीजिए 36 का डंबल है। तो वेट मैटर नहीं करता कि आप लोग ज्यादा वेट उठाओ, अगर ज्यादा कुछ करना है तो ज्यादा वेट उठाने से बॉडी मोटी पतली नहीं होगी, वेट कम होगा, मसल ज्यादा बनेगी, वो खाने पीने से होगी। मसल को फटीग करने के लिए आते हैं हम लोग जिम में। ये 5 का डंबल सब लोगों के लिए बराबर है, जिसको मसल बनानी है, किसी को वेट तोड़ना है। तो ये चीज़ समझ लो कि वेट ज़्यादा खाने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, बट इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो मिनिमल वेट उठाओ, जो आपको ज़रूरत हो उतना ही वेट उठाओ, ज़्यादा वेट शो ऑफ करने के लिए मत उठाओ। तो भाई सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं बेंट ओवर रो, बारबेल बेंट ओवर रो से कर रहे हैं। तो वेट मिनिमल रखेंगे, ज़्यादा वेट नहीं रखेंगे, फॉर्म एंड टेक्निक देखो, थोड़ा थोड़ा
तो है कमर में। थर्ड एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं सिटी ड्राइंग। तो जितनी भी आप जो मशीन्स कर रहे हैं ना सारी, वो कम से कम आपकी बैक को इंजर्ड करेगी, कम से कम आपकी बैक को इंजर्ड करेगी। तो वेट रखूँगा नॉर्मल सा, और कॉमन टेक्निक देखो इसमें, आप ना कुछ भी कर लो गलत कर ही नहीं पाओगे। ये मशीन ऐसे है, आपने पीछे ब्रेक किया आगे लेके, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो कोशिश करो, अगर कोई लोग बिगिनर हैं तो आप लोग मशीन से स्टार्ट करो रादर देन फ्री वेट से। और ये लास्ट एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं रैट पुल डाउन। हर जिम में अलग अलग होगी, एक बारबेल होगी, किसी में छोटी होगी, किसी में बड़ी होगी। हमारे जिम में लाइफ फिटनेस में यही वाली मशीन आती है जो कि डिसेंट है। सबसे बढ़िया तो वो जो बारबेल वाली होती है, सबसे बेस्ट तो वही होती है, बट अब है ऑप्शन नहीं है तो यही करनी पड़ेगी। इसके बाद चार एक्सरसाइज होगी कम्प्लीट, इतनी ही बैक की एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि अगर मैं स्टीरॉइड यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई भी अगर बंदा स्टीरॉइड यूज़ कर रहा है तो ये सोच के ना लीजिए कि आप एक दिन में, दो दिन में, पाँच दिन में कोई जादू हो जाएगा, आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। रोज़ छोटे छोटे पार्टीशन में, छोटी छोटी मील्स, छोटी छोटी वर्कआउट से आप लोग आगे बढ़ोगे, ना कि एक ही दिन आप लोग सब कुछ कर लोगे। उससे आप लोग एक दिन अच्छा कर लोगे, बट मुझे लगता है कि सस्टेनेबल जो चीज़ें होंगी वो होगी आप लोग लंबे टाइम तक जो चीज़ सोचोगे। तो 90 दिन हमारे पास, हर रोज़ छोटी छोटी गोल्स हैं। आज चार एक्सरसाइज, अगले हफ्ते जो होगी हमारी वीडियो उसमें पाँच एक्सरसाइज होंगी। थोड़ा सा लोड ज़्यादा होगा, थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा होगा, थोड़ा सा डाइट में और अच्छे चेंजेस होंगे। तो ये सब चीज़ों से ही मिक्स एंड मैच करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ना कि एक ही दिन में मैं आप लोगों को दिखा दूँ इतना वेट इतना वेट इतना वेट। इंटरनेट पे 4, 5, 6, 10 एक्सरसाइजेज हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। बट मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ इस सब वीडियो के माध्यम से, कि हर चीज़ को ना एक कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे हम लोग आगे, ताकि गोल हमारे जल्दी अचीव हों, सेफली अचीव हों, हम लोग इंजरीज ना हों। तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में हैं, और इन सब चीज़ों को पर ध्यान रखते हुए मैं वीडियोस बना रहा हूँ और ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इन्जॉय करो। इसके बाद हम लोग करेंगे कार्डियो। कार्डियो में 3 से 4-5 किलोमीटर रनिंग। टोटल जो कार्डियो में जो कैलरीज बर्न करनी है हम लोगों को, वो 600 से 700 कैलरीज का टारगेट है आज का। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ बाद में कार्डियो करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे वेट लूज करना है तो भाई फाइनली कल 18 मिनट में मैंने भागा था 2.5 किलोमीटर के आसपास, और आज 18 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर, मतलब 400-500 मीटर ज़्यादा भागा कंपैरेटिव टू कल। तो काफ़ी बड़ा चेंज है एक दिन के अंदर। कल शायद मन नहीं था, लेग्स की वर्कआउट थी शायद, इसलिए भी हो सकता है, बट मज़ा आ गया रनिंग करके। तो 400 के आसपास कैलरी बर्न करी होंगी ट्रेडमिल पे। तो दोनों चीज़ों का मैं अगर ट्रेडमिल ज़्यादा कर लूँ, अगर रनिंग ज़्यादा कर लूँगा ना, तो एक चीज़ पे किसी ने फोकस नहीं करना, कॉम्बिनेशन बनाना है बहुत सारी चीज़ों का और फिर फोकस करना है। बहुत अच्छी फीलिंग है। और जब हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आपका मेंटल जो लेवल है ना, वो ठीक होना चाहिए, मतलब बहुत ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टेट माइंड अच्छे, माइंड ऑफ आपका माइंड ऑफ सेट अच्छा नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आप कोई भी चीज़ कर नहीं पाओगे वापस। और अब आ गए हैं जूस पीने के लिए, जो जूस देखो क्या क्या डलेगा इसमें। आंवला, नींबू, ऑरेंज, गाजर, पाइनएप्पल, सब चीज़ मिक्स, चुकंदर, अनार मिक्स। तो भाई फाइनली अब लास्ट में इतनी भूख लगी हुई थी। हम लोग आए हैं बहादुरगढ़ में, सिर्फ मेरे को तो एक ही पता है, हेल्थ फर्स्ट कैफ़े अपने भाई का ही है। तो हम लोगों ने लिया टोफू पनीर सैलेड लिया है, तो इसमें ब्राउन राइस के काव्स भी हो जाएंगे, ब्रोकली है, कुकुम्बर है, और 4-5 वेजिटेबल्स और हैं, और अपना स्वीट कॉर्न है इसमें।
तो मेरे को लगता है कि ये मील पूरी करने के लिए रात को बेस्ट है। तो आज के जो वर्कआउट था आप लोगों को कैसा लगा प्लीज लाइक करके बताना, और आने वाले एक दो दिन वीडियोस में मैं आप लोगों को अपने सॉल्ट भी बताऊंगा जो मैं यूज कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो, आपका आज का जो मेरा खाना पीना है, जो मेरी लाइफस्टाइल, वो अच्छी लगी होगी, ठीक लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो आने वाले दिनों में थोड़े और विगरस और थोड़ा सा आगे वर्कआउट ज्यादा होने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी भाई को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्टीरॉयड को लेके तो मुझे मैसेज कर सकता है या फिर कमेंट कर सकता है, मैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर लूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय टिल देन। और एक चीज याद रखना, लाइफ में हरदम तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना है फीका। गुड नाइट, बाय बाय।